वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि वीडियो को किसी भी हालत में स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले Realme 3 Pro 9, Redmi Note 7 Pro 9, Jio Phone 3 के बारे में। सो हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज सुधीर एंड वेलकम टू द एंड द एपिसोड। इसी वीडियो में जानेंगे क्या होगी इसकी प्राइस, क्या होगा इसका स्पेसिफिकेशन और कैसे करेंगे इसको बुक। मैं बता देना चाहता हूँ कि बुकिंग चार्ज जीरो है और इफेक्टिवली प्राइस 1500 है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जियो फोन 3 के स्पेसिफिकेशन के बारे में। अगर फोन पसंद आता तो उसके बाद हम कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप बुक। तो बात करें यहाँ पर स्पेसिफिकेशन, तो सबसे पहला स्पेसिफिकेशन जो जियो फोन 3 की तरफ से निकल के आ रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है 5.99 इंच की डिस्प्ले, उसके साथ आपको देखने को मिलेगा 1.8 GHz का आक्टा कोर प्रोसेसर। और बात करें रैम की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तीन वेरियंट में। पहला जो रैम निकल के आ रहा है 2 GB का, और दूसरा है जो 3 GB का, और तीसरा है जो 4 GB का। बात करें 2 GB रैम की, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी 16 GB और 32 GB का इंटरनल मेमोरी। और बात करें 3 GB की, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी 32 GB का इंटरनल मेमोरी। और बात करें 4 GB की, तो वहाँ पर आपको देखने को 64 GB की इंटरनल मेमोरी। बात करें कैमरा की, तो यहाँ पर आपको जो पहला कैमरा आएगा 12 MP का, और जो सेकेंड कैमरा होगा वहाँ पर आपको 3 MP का कैमरा देखने को मिलेगा। उसके साथ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फ्लैश आपको रियर में देखने को मिल जाएगा। बात कर फ्रंट कैमरा की, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 13 MP की फ्रंट कैमरा। ये जो फ़ोन होगी वो एंड्रॉयड पाई बेस्ड हो। दोस्तों, बैटरी जो देखने को मिलेगी जियो फोन 3 में, वो आपको देखने को मिलेगी 3000 mAh की बैटरी, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। बात करें जियो फोन 3 के कुछ हाईलाइट फीचर के बारे में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिस्प्ले जो होगा ड्यू ड्रॉप नॉच डिस्प्ले। और बात करें कैमरा की, तो यहाँ पर आपको देखने को रियर कैमरा 12+3, और बात करें फ्रंट कैमरा की, यहाँ पर आपको 13 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। और इसकी बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1.8 GHz का आक्टा कोर प्रोसेसर। ये तो कुछ जियो फोन की स्पेसिफिकेशन जो लीक्स थी वो कुछ निकल के आई थी सामने, मैंने आपको बताया है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको किसी प्रकार का कमेंट सुझाव तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आपको किसी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।